आधुनिक काल की पृष्ठभूमि है। और पृष्ठभूमि क्या आज से ज़्यादा आधुनिक है? आज रोज डे है, बिहारी बहुत पहले मना चुके थे, बहुत पहले गुलाब लेके गए थे। आज भी बहुत सारे लोग, जैसा आपने कहा कि गुरुजनों के बीच में नहीं लाते थे, यहाँ पे भी बहुत सारे दे के आए हैं, गुरुजनों की वजह से नहीं लाए। तो मित्रों, रीतिकाल की व्याख्या, और सिर्फ रीतिकाल नहीं, भक्तिकाल को भी देखने की एक नई व्याख्या, नई दृष्टि अभी आप ग्रहण कर रहे थे। हालांकि शिकायत सबसे पहले मैं ही यहीं से शुरू कर दूं, इतनी जल्दी चुप रहने के लिए किसी ने बोला नहीं था। शायद यह रीतिकाल की ही क्षमता है कि किसी संगोष्ठी में विद्यार्थी इतनी देर बिना आवाजाही के बाहर ना जाएं या बैठे रहें, सिर्फ रीतिकाल की ही ये क्षमता है। इसलिए रीतिकाल प्रासंगिक है, और आपने इसे जल्दी छोड़ा, इसलिए शिकायत नोट कर लें, आगे इस बात को फिर ध्यान रखें। अन्यथा सर, किसी भी काल पे आप चर्चा कर लें, आवागमन बहुत तेजी से चलता रहता है, ये सिर्फ रीतिकाल है। बहुत सारे प्रश्न आप सबके मन में होंगे, लेकिन प्रश्न इतनी ही जल्दी पूछे जाने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बिहारी की नायिका की तरह बहुत इतनी ऊष्मा हो कि हमारी चाय की ऊष्मा खत्म हो जाए, क्योंकि चाय बाहर है, उसमें से ऊष्मा खत्म ना हो, हम इतनी देर प्रश्न करेंगे हैं। तो जिन्हें प्रश्न करने हैं, जिनके भी मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, वो इस बात के अभी आमंत्रित हैं। सर, मैं एक निवेदन यहाँ पर कर रहा था कि कहत न देवर की कुवत कुलतीय कलह डरात, पंजर भिंग मंजार जो शुक्लों सूकत जात। यह शायद जो आपने कहा, निश्चित रूप में बहुत ही अच्छी व्याख्या, शायद हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन यह कुलतीय शायद वही कुलतीय है जो प्रेमचंद के बड़े घर की बेटी है। सिर्फ श्रृंगार की बात नहीं है, घी के ऊपर भी कलह हो सकता है, इसलिए वह कुलतीय वही कुलतीय हो सकती है। सिर्फ श्रृंगार की दृष्टि से उस कुलतीय को देखा जाए तो मुझे लग रहा है जिस श्रृंगार से आगे आप रीतिकाल को देखना चाह रहे हैं, संभव है वह भी हो यहाँ पर। और ठीक यही चीज मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर डॉक्टर नगेंद्र गार्हस्थ्य जीवन की बात करते हैं, और आपने उसी गार्हस्थ्य जीवन से रीतिकाल की व्याख्या की, और आपने मतर्याम का जो उदाहरण दिया, केली के रात अघाने नहीं, दिन में ही लला पुन घात लगाई, प्यास लगी कोई पानी दे जाई, और भीतर बैठ के हाँक लगाई, जेठी पढ़ाए पठी दुलही। दोबारा से, जेठी पढ़ाए पठी दुलही, मतिराम हसेतिय हेर बुलाई, कान की बात पे कान न दीनो, द्वारे की देह रिपे धरे आई। अब यहाँ जो जेठी पढ़ाए पठी दुलही, तो जेठी के द्वारा यानी जेठानी के द्वारा गार्हस्थ्य जीवन में, गृहस्थ में जो चीजें जेठानी के द्वारा पढ़ाई जानी चाहिए थी, वो पढ़ा दी कि आज केले की रात अघाने नहीं, श्रृंगार वही है, किंतु विशुद्धता शायद वहां पर गार्हस्थ्य कुछ और ज्यादा हो जाती है। शायद ऐसा हो भी सकता है कि हमें उसमें गार्हस्थ्यता कुछ और भी नजर आती हो। खैर, इतना अच्छा हम लोगों ने सुना है, और इतनी नई दृष्टियां हमें प्राप्त हुई हैं। किन लोगों के प्रश्न हैं, कृपया प्रश्न जल्दी से पूछ लें। सर, वैसे ये 2-3 मिनट मैंने सिर्फ इसलिए खाए थे क्योंकि सर को लगभग 2 घंटे हो गए आप सबको संबोधित करते हुए, इतना तो बनता था कि हम 2 मिनट सर को बैठ लेने दें। तो कृपया आप लोग प्रश्न जिन्हें पूछने हैं पूछें। किसी का प्रश्न, कोई जिज्ञासा? मेरा एक प्रश्न है सर। प्रश्न ये है सर कि जैसे कि आपने नागरी शब्द का उसमें, चूंकि सर जैसे कि आपने कहा कि रीतिकाल जो है पूरी तरह से जीवन अनुभव का ये काव्य है, और पूरी तरह से उसमें जीवन और सामान्य जो जीवन है, आम तौर पर आम जो जीवन है उसमें, तो उसमें जो व्याख्याएं हमें सामान्य तौर पर मिलती है उसको देखकर हम लोग पढ़ाते हैं विद्यार्थी को,
तो उसमें जैसे नागरी शब्द है, इस नागरी शब्द का आपने कहा कि इसमें चतुराई, अब चतुराई को हमने देखा कि चतुराई को मैंने शहर से जोड़ के देखा उसको, लेकिन आपने कहा कि प्रेम को दर्शाना है इसलिए चतुराई और इसलिए नागरी शब्द का प्रयोग, तो ये जो एकदम अप्रस्तुत है वहाँ पे, तो उसको हम कैसे समझे सर? और भी भैया, और क्योंकि आप सर बहुत देर, कोई जो भी प्रश्न एक साथ कर लें फिर हम जी। रीत युग में भक्ति कविता का क्या स्वरूप था? रीत कालीन कवि भक्ति कविता भी लिख रहे थे, भक्ति की धारा बिल्कुल सूख नहीं गई थी, तो मैं आया था इस पे कुछ सुनने के लिए। अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं अवधेश हूँ जी, मैं अभी उत्तर दे दीजिए, अभी पीएचडी जमा किया है जेएनयू से। रीत युग में आपका शुभ नाम? मैं अवधेश हूँ सर। अवधेश अवधेश जी, आपकी बात भी करूँ और नागरी वाली बात पहले करूँ। नागरी का मतलब नगर से ही है, नागरी होती वो है जो नगर की रहने वाली हो, और वो नगर वाली ही चतुर होती है। अब इसमें कोई बुरा मत मान जाना। गांव में, गांव की तुलना में नगर का पुरुष भी, गांव की तुलना में नगर की स्त्री भी ज़्यादा चतुर होते हैं तुलना में। तो ये है, वही अर्थ है जो आप ले रहे हैं, वही अर्थ था। मैं जल्दी चतुराई पे पहुंच गया, इसलिए आपको थोड़ा सा भ्रम हुआ होगा, तो वो ठीक है था। और अवधेश जी, आपका कहना है कि भक्ति की क्या स्थिति है रीतिकाल में। देखिए, मैंने शुरू में जो भूमिका बनाई थी जिसमें भक्तिकाल की चर्चा की थी, उसमें आपने देखा होगा कि भक्ति बहुत महत्वपूर्ण थी भक्तिकाल में, लेकिन रीतिकाल आने के वक्त तक वो भक्ति, उसका सारा सत्व, उसकी सारी ताकत, उसकी सारी शक्ति, ग्रिप जिसे कहते हैं, वो ग्रिप उसमें से चली गई थी। उसके बाद अब जैसे कि मैं हनुमान चालीसा कर लूँ, या आप कर लें, या कोई और दूसरे धर्म का मानने वाला अपने धर्म के लिए कर ले, बस उतना ही है। वो सामाजिक आंदोलन के रूप में भक्ति काल में जो भक्ति थी, वैसी भक्ति रीति काल में नहीं रह गई। ये सारे रीति कवि भक्ति की कोई ना कोई बात कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं जैसे आज हम कर लेते हैं। इसके अलावा भक्ति आंदोलन वाली भक्ति तो हम भी नहीं करते, वही स्थिति रीति काल में। जी, तो सर ने कहा था आगे कि कभी रीतियां तक कभी आए ना, तो राधिका के नाम सुप्रीम को बांध, बिल्कुल यही स्थिति आ गया था। सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। एक सर पद है कि मेरे कर मेहंदी लगी है प्यारे नंदलाल, ये सब किसका है पद आपको? ये तो मुझे भी नहीं पता ये किसका है, मेरे कर मेहंदी लगी है प्यारे नंदलाल, ये कोई बहुत पुराना तो नहीं लगता भाषा से। रीतिकाल का है सर? नहीं, मुझे नहीं पता कि रीतिकाल में कौन सा कवि हो सकता है। मैं कह रहा हूं सर, कोई भी लट सुलझाने की कि मेरे कर मेहंदी लगी है प्यारे नंदलाल, लट उड़ जी हमारी लट सुलझा दो। हां, लट सुलझी उड़ जाए रे मोहन, मेरे कर मेहंदी लगी, लट सुलझी उड़ जाए रे मोहन या बालम, मेरे कर क्लासिकल म्यूजिक में बहुत होती है, लट सुलझी उड़ जाए रे बालम, मुन्ना डे ने भी गाई। सर, मैं कह रहा हूं कि सर एक पद जो है जो रीतिकाल का कोई पद महेंद्र जी, आपने भले ऐसे ही बोला है, भले वो सीरियसली बोला है, कैसे भी हो, लेकिन ये वास्तव में एक बड़ी समस्या है। जो जो नृत्य गोपाल जी ने शुरू में कहा था, पाठ की समस्या, पाठ की समस्या छंद से जुड़ी हुई है, और छंद को जब तक आप पढ़ना नहीं जानते तो उस छंद को आप समझ भी नहीं सकते, क्योंकि उसी रिदम में, उसी लयात्मकता में, और फिर स्वरों में आप गाएं या ना गाएं वो तो एक अलग बात है, लेकिन लय में तो आप उसे पढ़ना जाने कम से कम, अगर वो नहीं है तो नहीं हो सकता। मैं एक छंद आपको